हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनय प्रसाद टेक्निकल एक और वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग आपके लिए सैमसंग के M51, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। ये आपने देखा होगा, इसे काफ़ी जगह द मॉन्स्टर फ़ोन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो काफ़ी मॉन्स्टर जैसे ही हैं। इसे मैंने परचेज़ किया है 26999 में, यानी 26,999 रुपये में। और ये जो वेरियंट है ये है 8128 का। ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ अभी amazon.in पे ही मिलता है आपको। तो यदि आपको परचेज करना हो तो आप वहाँ पे परचेज आप चेक कर पा रहे होंगे। ऐसा कुछ मॉन्स्टर डिटेल दी तो नहीं है, बट हाँ प्रोडक्ट जो है ये मॉन्स्टर है। काफ़ी जगह इसकी डिटेल्स हमने चेक की हुई हैं। फ्रंट में देखेंगे आप, सैमसंग फ़ोन है, M51 लिखा हुआ है। साइड में यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 लिखा हुआ है, गैलेक्सी सीरीज का फ़ोन है ये। इसके बाद राइट हैंड साइड में इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सब ब्लैंक है। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स चेक कर पाएंगे। 821 का वेरिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइस की डिटेल्स दी हुई हैं, आईमैक की डिटेल्स दी हुई हैं। इस पर आप एक चीज़ और चेक कर पा रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है इंडियन सिम ऑनली। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आप और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें कि इंडियन सिम, जो कि इंडियन ऑपरेटर का है। इस साइड कुछ हाईलाइट डिटेल्स देता हूँ। दूसरी साइड में यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे, डिटेल्स दी हुई हैं, इन द बॉक्स कंटेंट है हमारे पास। और मैं चेक करता हूँ इस बॉक्स को, और पीछे तो कुछ बहुत सी स्लिम सा डिज़ाइन है, पीछे कोई डिटेल्स दी नहीं हुई है। बेसिकली हमें ए सीरीज में यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिलती हैं, बट एम सीरीज में ऐसा कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। प्रोडक्ट कुछ कुछ रहा हाईलाइट फीचर जो है, क्योंकि इसको मॉन्स्टर फोन इसलिए कहा जा रहा है, प्रोडक्ट में जो है आपको 7000 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है। साथ ही 25 वॉट का चार्जर मिलता है, जो आपको इन द बॉक्स है, टाइप सी का चार्जर है ये। तो चार्जिंग कैपेसिटी आपको अच्छी मिलती है, और मॉन्स्टर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस के तौर पे, क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है जिसमें उन्होंने 730G स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है। इससे पहले ये लोग एजिनोस के प्रोसेसर यूज़ करते थे। ए सीरीज ले लीजिए आप, इससे पुराना एम सीरीज ले लिए, लेकिन उन्होंने पहली बार फ़ोन लॉन्च किया है जिसमें कि स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर दिया हुआ है। तो आइए इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें इस बॉक्स के कंटेंट पे, और मैं डिटेल्ड ओवरव्यू देता हूँ आपको प्रोडक्ट का, ठीक है। कर पा रहे होंगे आप, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। जो सैमसंग का फ़ोन है ये मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में ही, इंडिया में नोएडा में इसका सबसे बड़ा प्लांट है, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। तो ये सभी प्रोडक्ट जो है वहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्रेड इंडिया में जो वॉर चल रहा है हमारे पास, तो उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया है, सबसे पहले रखा हुआ है फ़ोन, आप चेक कर पा रहे होंगे। सेकंड है आपके पास कुछ नहीं है, एक और ये दिया हुआ है, इसमें भी सैमसंग की ब्रांडिंग है। तो अभी मैं इसको रखता हूँ साइड में, इसमें देखते हैं हमें यहाँ मिलता है हमें सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल, जो कि एक बेसिक सा है। इसके बाद हमें मिलता है, और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें मिलता है कुछ हमें बेसिक यूज़र मैनुअल। यहाँ पे कवर नहीं है, ये आप चेक कर पा रहे होंगे। बेसिकली कवर भी देता है सैमसंग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, इसको मैं रखता हूँ अभी। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास ये आ गया है सामने। जो कलर है इसका ये है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है, देखिए आप पीछे से भी और पर ऊपर देता हूँ मैं आपको। इसको मैं रखता हूँ साइड में, देखते हैं इन द बॉक्स कंटेंट और क्या है। हमारे पास मिलता है चार्जर एक सैमसंग का, इंडियन स्टाइल है। सबसे अच्छी बात आप चेक करेंगे तो ये टाइप सी है, यानी कि जिसमें केबल मिलने वाली है आपको वो टाइप सी टू सी मिलने वाली है। बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पे टाइप ए होता है, टाइप सी टू सी होने का एक बेनिफिट और है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है 7000 mAh की बैटरी साथ आता है, और ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। यानी कि अगर रिवर्स चार्जिंग है, आप जो प्रोडक्ट है इससे आप अपने ही फ़ोन से किसी और टाइप सी के फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसे पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। केबल आप चेक करिए, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की केबल है इन्होंने दी हुई है, और ये टाइप सी टू सी है। अगर मैं इस पे चार्जर पे हाईलाइट डिटेल की बात करूँ, तो चार्जर वैसे ये 25 वॉट का चार्जर है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ये इन द बॉक्स है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ डिटेल्स आप हाईलाइट कर पाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 वोल्ट पे भी ये 3 एम्पियर का आउटपुट देता है, तो ये काफ़ी अच्छा डिसेंट क्वालिटी का आपको मिलने वाला है चार्जिंग की जो एक्सपीरियंस है। और बॉक्स कंटेंट कुछ भी नहीं है। मैं एक बार इन सभी चीज़ों को साइड में रखता हूँ, और
देखते हैं फोन का ओवरव्यू। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी हमने सिम इजेक्टर टूल ओपन किया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 128 GB का वेरियंट है, 8 GB 128 GB का वेरियंट, और इसमें एक्सपेंशन स्लॉट भी मिलता है, यानी कि जो इसमें स्लॉट मिलेगा आपको वो मिलेगा 2+1, यानी कि आप 2 SIM कार्ड + 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये आप चेक कर देखिए, 3 स्लॉट है, 3 चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, अगर आप इसे देख पाएंगे तो। तो इसमें आपको स्टोरेज की पहली बात तो कमी पड़ने नहीं वाली है, क्योंकि स्टोरेज 2 वेरिएंट में अवेलेबल है हमारे पास, 6128 और 828 में। और बाकी जो है प्रोडक्ट आप देख पाएंगे सामने, सबसे अच्छी बात है ये 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें कि डॉट नोच डिस्प्ले है, यानी कि सैमसंग इसको इन्फिनिटी ओ कहता है, यानी कि एक पंच होल टाइप का मिलता है डिस्प्ले आपको। और चिन्ह इस पर काफ़ी कम है, एक छोटा सा यहाँ पे अगर आप चेक कर पाएंगे तो ईयर पीस यहाँ पे बहुत ही छोटे से कटआउट में दिया हुआ है, बहुत छोटे से कटआउट में यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि आप ईयर पीस इनलाइन कॉल के स्पीकर जो सुन पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट के लेफ्ट हैंड साइड की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करोगे पूरा क्लीन है। यहाँ है पावर सेंसिटिव जो है बटन है, ये पावर की भी है प्लस फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, यानी कि इसमें जो है आपको इन द डिस्प्ले या बैक में नहीं मिलता है, साइड माउंटेड रिंगर, साइड माउंटेड जो है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ऊपर है आपका प्लस माइनस वॉल्यूम की, नीचे आप चेक करेंगे सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे 3.5 mm का जैक है, जो हमें सबको काफ़ी अच्छा लगता है और ये होना भी चाहिए बेसिकली फोन्स में। इसके बाद है हमारे पास टाइप सी का चार्जर, इसके बाद है हमारे पास स्पीकर और माइक्रोफोन का वेंट जो है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्लीन है अपार्ट फ्रॉम सिम इजेक्टर टूल। ऊपर की बात करो तो ऊपर आपको एक होल दिख रहा होगा, अगर ये जूम हो पाएगा तो, और ये है सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन, यानी कि जो कॉल की क्वालिटी हो आपको अच्छी मिला, भीड़ भाई इलाकों में रहेंगे आप तो भी कोई इशू नहीं होगा। पीछे आप चेक कर पाएंगे सैमसंग की ब्रांडिंग है, इमेज डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे चार कैमरे का लेआउट है प्लस एक फ्लैशलाइट है। फ्लैशलाइट जो है इसमें सिंगल टोन एलईडी है, यानी कि सिंगल ही टोन आपको एलईडी मिलती है। अगर मैं इसको बात करूँ कैमरे के स्पेसिफिकेशंस की, तो सबसे ऊपर हमें मिलता है 5 मेगापिक्सल का है, सेकंड आपको 64 है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का है सबसे नीचे। फ्रंट में है आपको 13.2 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है ये। ऑन करने पे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ रहा है सैमसंग M51 पावर्ड बाई एंड्रॉयड, और क्योंकि इसमें तो फ़ोन को मैंने यहाँ पे बूट कर दिया है, पूरा सेटअप कर दिया है, जो सेटअप है बेसिक सिंपल सा है, तो मैं वो दिखा के आपको बोर नहीं करने वाला हूँ। फ्रंट आप देख पा रहे हैं कितना गॉर्जियस डिस्प्ले आ रहा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट क्वालिटी का है। मैं एक बार ब्राइटनेस भी फुल कर देता हूँ ताकि आपको एक बार अंदाज़ा लग पाए। आप देखिए आप सामने चेक कर पाएंगे बहुत अच्छा सा UI भी है, क्योंकि इसमें UI 2.0 है, जो सैमसंग का 1 UI है उसका version 2 चल रहा है इसमें, तो एक क्लीन सा लेआउट मिलता है आपको। और काफ़ी समय से जब सैमसंग ने अपना 1 UI लॉन्च किया है तो काफ़ी अच्छी हाइप मिल गई है सैमसंग को, बहुत बेसिक सा इंटरफेस है आप देख पा रहे होंगे। ठीक, मैं कुछ वैसे कैमरे के सैमसंग UI 2.1 आप इसमें रन कर रहा है। एंड्रॉयड जो है ये 10 है इस वक्त चल रहा है इसमें, एंड्रॉयड 10। और अपडेट के मामले में सैमसंग को उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सैमसंग जो है अपडेट बहुत ही कम देता है, तो जो अपडेट्स मिलेंगे आपको उसी में ही इस फोन को रन करना होगा। इसे अगर आप चेक करेंगे तो 105 GB जो है अभी फ्री है, तो एक अच्छा सा आपको अमाउंट मिलने वाला है स्टोरेज के, स्टोरेज में कोई भी इशू नहीं होगा आपको। मैं अगर कुछ कैमरा सैम्पल्स भी आपके लिए क्लिक कर देता हूँ, एक छोटा सा मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है कैमरे के सैम्पल को क्लिक करने के लिए। ये इसका प्राइमरी कैमरा है, सबसे मेन कैमरा, जो कि 64 मेगापिक्सल का है। इसके बाद है ये अल्ट्रा वाइड, इसके बाद ये है अल्ट्रा वाइड। तो फील्ड ऑफ व्यू देख रहे हैं, फील्ड व्यू देखिए, ये नॉर्मल है 64 मेगापिक्सल, ये है अल्ट्रा वाइड। तो फील्ड ऑफ व्यू ये है पोर्ट्रेट मोड इसका, और ये है आपका फ्रंट कैमरा। तो जो कैमरा क्वालिटी मिली है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। प्रोसेसर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 730G है क्वालकॉम का, जो कि गेमिंग के लिए भी है, तो गेम आप इसमें खेलेंगे बहुत अच्छे से रन करेगा, कोई इशू नहीं होगा। बैटरी आपको मिलती है 7000 mAh की, तो कोई बैटरी के वरी करने की जरूरत नहीं था इस वाली वीडियो के लिए। मैं कुछ इसके सैंपल्स जो हैं अभी इन द एंड वीडियो में डाल दूँगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं।
और कैसा लगा है आपको वीडियो, प्लीज़ आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को आने वाली ऐसे ही फ्यूचर अपकमिंग वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।